सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप से सिनेमैटिक वाला फोटो एडिटिंग करने वाले हैं लाइटरूम में। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लाइटरूम एप्लीकेशन पे ये वाला जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इस प्रीसेट को ओपन कर लेना है एंड टॉप राइट कॉर्नर पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉपी सेटिंग है टैप कर लेना वहाँ पर, एंड जितना भी यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑटोमेटिकली ब्लू टिक लग जाएगा उसमें। तो आपको कुछ यहाँ से और सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाना है आपको राइट क्लिक पे एंड यहाँ पे कर लेना है सेव, कॉपी कर लेना है। सो सिंपली कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ से बैक चल जाना है एंड यहाँ से जो सिंपल फ़ोटो है आपका, जिस फोटो को एडिट करना है वो फ़ोटो को यहाँ पर कर लेना है ओपन। एंड ओपन करने के बाद फिर से आपको यार राइट टॉप कॉर्नर पर जाना है एंड यहाँ पर जाने के बाद बेस्ट सेटिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर कर लेना है आपको सेटिंग को बेस्ट। अब देख सकते हैं हमारा फ़ोटो का पूरा जो सेचुरेशन लुमिनस जो है सब कंट्रोल में हो चुका है एंड सब चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिनेमैटिक वाला लुक आ चुका है फ़ोटो पे। सो उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपको सीधा यहाँ पे फेम वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, 22 पर रख लेना है एंड यहाँ पर फिर से ब्राइटनेस पर जाना है और एक्सपोज लिखा हुआ है वहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है एंड हाईलाइट को कर लेना है -100। सो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ ना करते हुए सीधा फोटो का कर लेना है यहाँ से सेव। तो यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना है एंड सेव डिवाइस लिखा हुआ है वहाँ पे जाके फोटो का कर लेना है सेव। उसके बाद ले चलता हूँ मैं आपको पिक्सआर्ट पे। सो वहाँ पे थोड़ा सा मैं PNG यूज़ करने वाला हूँ, तो चलो मैं आपको पिक्सआर्ट पे ले चलता हूँ। देख सकते हैं मैं अपना फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे ओपन कर चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा यूज़ ना करते हुए, मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक PNG यूज़ करना है फ़ोटो के लिए। सो चलो मैं ऐड फोटो पे जाके PNG को ओपन है, मैं कर इसको यहाँ लेता पे हूँ। ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, PNG का जो साइज़ है इसको थोड़ा सा मैं कर लूँगा फ़ोटो के हिसाब से, बड़ा कर लूँगा इसका साइज़ को थोड़ा सा। एंड यहाँ पे राइट साइड में जो एडिटिंग के टूल्स हैं उस पर जाके ब्लेंड पे स्क्रीन कर लूँगा इसको। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लुक चेंज हो चुका है फ़ोटो का। तो इसमें जो है साइड साइड में आप देख सकते हैं वाइट वाइट जो आइस का टुकड़ा है वो उस टाइप से थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे फोटो का कर लेंगे अपन डन एंड यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ ना करते हुए सीधा सीधा अपने यहाँ पे ड्रॉ पे जाना है एंड यहाँ पे राइट थ्री डॉट पे, लेफ्ट साइड में थ्री डॉट पे जाके फोटो को कर लेना है सेव। तो गाइस यार, अब सिंपली आपको स्टेप्स को देखना है एंड सिंपली वो प्रीसेट एंड जो PNG में यूज़ किया हूँ वो PNG का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली चलो यार, अपना सपोर्ट बनाए रखो एंड लाइक कमेंट शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो इस टाइप से फ़ोटो एडिट करने के लिए एंड खुद भी इस टाइप से फ़ोटो एडिट करो। सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार अगर नहीं किया है तो, और मैं वहाँ पे रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूँ। सो आप मेरे को वहाँ पे DM भी कर सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए एंड मेरे को कंटेंट भी बता सकते हैं कि मैं किस टाइप से फ़ोटो एडिट करूँ आपके लिए। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।